हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइन एंड सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और कुछ अच्छा भी काम करेंगे, है ना। आज हम लोग देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आज सब कुछ अच्छे से समझ में आएगी आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से देखना, कंसंट्रेट होकर देखना, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, वो देखेंगे कि अगर कोई भी सब्सटेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है तो क्या वो सब्सटेंस ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगी दूसरे सब्सटेंस से जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है। जैसे मैं दो एग्जांपल्स लेता हूं, दो एग्जांपल्स को, दो सब्सटेंस के कंपैरिजन करता हूं। वन इज द ग्लास स्लैब एंड अदर इज द वाटर सरफेस, है ना, वाटर बॉडी कह सकते हो। तो ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा कितनी होती है, 1.52 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बॉडी इज 1.33। अब बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी ज्यादा है, ग्लास स्लैब की या वाटर बॉडी की? योर आंसर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इज मोर या हायर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बॉडी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी सब्सटेंस की ज्यादा होगी, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास स्लैब की ज्यादा है 1.52 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बॉडी इज 1.33, तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी वो ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा, वो ज्यादा डेंसर होगा उस सब्सटेंस से जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो इसको हम लोग लिखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट इज, कोई भी सब्सटेंस की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो लाइट रेस को ज्यादा बेंड करेगी, वो लाइट रेस को ज्यादा बेंड करेगी। तो दो पॉइंट को मैं लिखाने जा रहा हूं, आप लोग लिखेंगे, सब आराम से लिखें, मार्कर में लेता हूं फटाफट और फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा टॉपिक तो वही चल रही है, रिफ्रैक्शन। टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टॉपिक तो वही है। तो पॉइंट में इसको लिखो बेटा, पॉइंट में इसको लिखो, क्या पॉइंट बेटा, इफ एनी सब्सटेंस, इफ एनी सब्सटेंस हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन द other substance, it means this substance is denser than other substance। इसको इस तरीके से, अगर इस तरीके समझ में नहीं आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा कि मान लेते एक सब्सटेंस 1 है, दूसरा सब्सटेंस 2 है, है ना। तो अगर 1 वाले सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है 2 से, तो हम लोग कह सकते हैं 1 वाले सब्सटेंस की, 1 वाले सब्सटेंस जो है वो ज्यादा डेंसर होगी दूसरी सब्सटेंस से, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे तरीके से लिखा, आप लोग समझ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ एनी सब्सटेंस हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, if any substance has refractive index is greater than the other substance, it means the this substance is denser than the other substance, है ना? Example में लेना चाहूंगा बेटा कि the refractive index of glass slab is 1.52 and the refractive index of water is 1.33। तो कौन सब्सटेंस ज्यादा डेंसर होगा, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तुरंत देखेंगे, तुरंत चेक करेंगे। ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो मतलब ग्लास स्लैब ज्यादा डेंसर होगी किससे, वाटर बॉडी से, किससे, वाटर बॉडी से। तो आगे आप लिख सकते हो, जल्दी फटाफट लिखो, means glass slab is denser than water, है ना। वो हम लोगों ने कैसे पता लगाया बेटा, हम लोगों ने पता लगाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख के। एक सब्सटेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे, दूसरे से कंपैरिजन करेंगे, अगर पहली वाली सब्सटेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरी वाली सब्सटेंस से ज्यादा होगी तो हम लोग कहेंगे कि पहली वाली सब्सटेंस जो है वो ज्यादा डेंसर होगी दूसरी वाली सब्सटेंस से। दैट्स इट,
है ना। तो ये आप लोग लिखो, उसके बाद हम लोग फिर दूसरा पॉइंट लिखते। जल्दी मेरे लिखो मेरे नन्नो मुन्नो बच्चों, चलो इसको मेरा करता हूं, हटाता हूं इसको। दूसरी पॉइंट बेटा, इसको पहली पॉइंट के तौर पे लिखना। अब दूसरी पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूं आपको वो होगी बच्चों, वो क्या होगी बेटा, ध्यान से देखना। दूसरी पॉइंट है, इफ एनी सब्सटेंस हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन अदर सब्सटेंस इट मीन्स इट विल बैंड द रेस मोर देन अदर सब्सटेंस ठीक है। यहां तक लिखो बेटा, जल्दी छापो, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि इसको समझते हैं एग्जांपल्स लेके। जैसे ये ग्लास स्लैब है बेटा, ये क्या है ग्लास स्लैब, और ये क्या है वाटर बॉडी, ये क्या है बेटा वाटर बॉडी, दिस इज द वाटर बॉडी, वाटर बॉडी। अब बताओ बच्चों कि क्या, अब बताओ कि इसकी ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 होती है, वेरी गुड। एंड द वाटर बॉडी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है बेटा, 1.33, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो अब जो क्या होगी कि कौन ज्यादा लाइट रेस को बेंड करेगा, है ना। तो लाइट रेस को ज्यादा कौन बेंड करेगा बेटा, लाइट रेस को ज्यादा ये ग्लास स्लैब बेंड करेगा। क्यों? बिकॉज ग्लास स्लैब हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द वाटर बॉडी, ग्लास स्लैब हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द वाटर बॉडी। ठीक है, आप देख भी सकते हो, ठीक है ना, ये ज्यादा लाइट रेस को बेंड करेगी। तो हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो आगे देखेंगे क्या कि, चलो इसको मैं रब करता हूं, अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्या देखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, दूसरी मार्कर कहां हो गई, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू इज रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट रेस light rays when it passes from medium two to medium one। इसको कहने का मतलब क्या बेटा, मैंने क्या लिखा है इसको पहले तो आपको छापो, है ना, फिर मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या होता है।
इसका कहने का मतलब बच्चों, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं बताऊं आपको कि लाइट रेस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट रेस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ये पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है उसी लाइट रेस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जब वो पास करती है दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में। कहने मतलब क्या हुआ, एक लाइट रेस जा रही है मीडियम वन से मीडियम टू में, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी वो रेसिप्रोकल होगी किसके, वो लाइट रेस के, जो लाइट रेस जाएगी मीडियम टू से मीडियम वन में। कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज द मीडियम टू, वेरी गुड, मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम टू, वेरी गुड, मीडियम वन एंड मीडियम टू। इसमें क्या हो रही बेटा, लाइट रेस जा रही है, लाइट रेस जा रही है मीडियम वन, सॉरी इसमें बोल दो ये मीडियम वन ये मीडियम टू है ना। अब इसमें क्या हो गया, लाइट रेस आ रही है एक मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में, ये नॉर्मल होगी इसकी, ठीक है। इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वाली मीडियम की, वो रेसिप्रोकल होगी इस वाली मीडियम की, अगर ये लाइट रेस जा रही है ये टू ये वन से टू है ना, ठीक है, और ये टू से वन। यहां पे कह लो ये एयर है, ये ग्लास स्लैब है, ये भी एयर है, ये भी ग्लास स्लैब। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर लाइट रेस एयर से ग्लास स्लैब में जा रही है तो उस कंडीशन में जो लाइट रेस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो रेसिप्रोकल होगी वही लाइट रेस की, अगर वो ग्लास स्लैब से एयर में जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, दोनों क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है, समझ रहे बातों को। मतलब इस केस में क्या है कि लाइट रेस जो है वो एयर से कहां जा रही है, ग्लास स्लैब में, लेकिन इस केस में क्या है, ये ग्लास स्लैब से एयर में जा रही है। तो अगर दोनों केस को कंपैरिजन किया जाए तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा, क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों, ये समझने वाली बात है। तो इस कंसेप्ट से हम लोग इस वाले थ्योरी से हम लोग ये समझ रहे हैं ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, तो आगे देखते हैं, आगे हम लोग और इसको लिखते भी कैसे हम, है ना, एक दो मीडियम है, एक एयर है और एक क्या है, ग्लास स्लैब, ठीक है, एयर एंड ग्लास स्लैब। व्हेन देयर आर टू मीडियम्स, मीडियम वन इज द एयर मीडियम एंड अदर इज द ग्लास मीडियम, ठीक है, जब लाइट रेस आपको छोड़ के एयर को छोड़ के ग्लास स्लैब में जा रही है तो उस केस में जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रेसिप्रोकल है, जब लाइट रेस ग्लास स्लैब को छोड़ के एयर मीडियम में जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, है ना। तो अब इसमें स्टेटमेंट वाइज कैसा लिखा जाएगा कि सपोज करते हैं हम लोग कि मीडियम वन में जो स्पीड होती है लाइट रेस की वो बी वन है एंड मीडियम टू में जो स्पीड होती है लाइट रेस की वो बी टू है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं इसको, कोई कठिनाई नहीं है बच्चों, कोई भारीपन नहीं है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। इसको स्टेटमेंट वाइज एज ए बोर्ड स्टूडेंट हम लोग कैसे लिखेंगे कि सपोज ये मीडियम वन ये मीडियम टू, देयर आर टू मीडियम, सपोज देयर आर टू मीडियम, वन इज ग्लास स्लैब एंड अदर इज एयर, द स्पीड ऑफ लाइट लाइट इन एयर मीडियम इज बी वन एंड द स्पीड ऑफ लाइट light in glass
मीडियम इज वीट वेरी गुड। चलिए बच्चे यहाँ तक आप लोग छापे जल्दी से, उसके बाद ड्राइव करते हैं। अब बच्चों इस केस को पहले देखते हैं, हम लोग इस केस को देखते हैं। मैं इसे रब करता हूं, ये फिगर की मुझे काम है लेकिन ये स्टेटमेंट की मुझे काम नहीं है, मैंने मान लिया। अब पहले इस वाले फिगर की बात करते हैं, इस वाले फिगर की बात। लाइट रेस कहां से निकली और कहां जा रही है? मीडियम वन से मीडियम टू में जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा बेटा? टू का विथ रिस्पेक्ट टू वन, जहां से निकली जहां जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन वो क्या होती है बेटा? नीचे में लिखा जाता है स्पीड जहां पे जा रही है, कहां पे जा रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन कहां पे हो रहा है? टू पे। तो मीडियम टू पे, मीडियम टू का स्पीड वी टू मैंने माना, और कहां से निकल रही है? मीडियम वन से, उसमें वी वन माना। ये केस तो इसकी हो गई, ये वाली बात। अब इसकी बात हम लोग करते हैं। इस केस में क्या हुआ कि लाइट रेज मीडियम टू को छोड़ के मीडियम वन में आ रही है, तो रिफ्रैक्शन कहां पे हुआ? मीडियम वन पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? मीडियम वन के विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। तो लाइट रेज रिफ्रैक्शन कहां पे हुई? तो वन पे, तो वन मीडियम वन पे स्पीड वी वन, और कहां से निकल रही लाइट रेज? मीडियम टू से वी टू। कोई दिक्कत वाली बात है? अब ये हो गई आपकी इक्वेशन वन और ये हो गई इक्वेशन। अब दोनों में से क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को इक्वेशन वन या इक्वेशन टू में से क्या करो, किसी को भी रेसिप्रोकेट कर दो, उल्टा कर दो। इसी को मान लो कि मैं इक्वेशन टू को ही रेसिप्रोकेट करता हूं। LHS सही है एंड दिस इज द RHS। मैं LHS और RHS को रेसिप्रोकेट कर देता हूं, रेसिप्रोकल ले लेता हूं, टेक रेसिप्रोकल ऑफ LHS एंड RHS ऑफ इक्वेशन टू। तो इसका रेसिप्रोकेट करोगे वन बाय टू एन वन, और इसका रेसिप्रोकेट करोगे तो वन बाय वी टू बाय वी वन। तो ये उलट के क्या आ जाएगा? वन इंटू वी वन बाय वी टू, मतलब वी वन बाय वी टू, ये तो आएगी। अब देखो, अब देखो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा सबको। अरे बच्चों बताओ यहां तक तो क्लियर हो गई होगी। तो मतलब यहां से क्या आया, वन बाय टू एन वन इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू। अरे आई कि नहीं आई इक्वेशन थर्ड मान लो। अब इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट को क्या कर दो, सिमिलर कर दो। अरे ये बी वन बाय बी टू इसके बराबर, बी वन बाय बी टू इसके बराबर, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं? तो इसके कारण वन बाय टू एन वन, वन बाय एन टू एक दूसरे के बराबर। अरे तीन तीन दोस्त हैं, राम श्याम घनश्याम, राम श्याम के बराबर घनश्याम, राम श्याम घनश्याम, राम श्याम के बराबर श्याम घनश्याम के बराबर, तो राम घनश्याम के बराबर, दैट्स गुड। यस उसी तरह तो v1 बाय v2 का रेशियो जो है 1 बाय 2 n1 के बराबर, और यहां भी v1 बाय v2 का रेशियो जो 1 बाय 1 n2 के बराबर है ना। तो ज्यादा स्पीड तो नहीं लग रही, थोड़ी ज्यादा स्पीड लग रहा है मुझे आज। ये इसके बराबर, फिर ये भी इसके बराबर, दोनों तो सेम ही है बच्चों। बोलो यहां पे मैं लिखता हूं जैसे v1 by v2 is equal to 1 by 2 n1, और v1 by v2 1 n2। तो इससे ये क्वेश्चन थर्ड, ये क्वेश्चन फर्स्ट, तो इससे मुझे क्या निकलेगी, इससे मुझे निकलेगी ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग वन एंड थर्ड, वन एंड थर्ड दैट इज वन टू एंड वन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। यही तो मुझे प्रूव करनी थी, यही तो मुझे प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आज ज्यादा लंबा वीडियो खींचते नहीं है, आज इतना आप लोग जल्दी छापे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। अगर जरा सा भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछें। थोड़ी सी मैं सॉरी आज के लिए चाहता हूँ,
मैं जल्दी से खत्म करना चाहता था इसको, मैं वीडियोस को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता था आज के लिए, है ना। थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रही होगी इसके लिए सॉरी, कल से मैं थोड़ी सी स्पीड और भी कम करूंगा। अगर इसमें जरा सा भी डाउट हो तो मैं कल आपको बताऊंगा, इसको फिर से प्रूफ तो नहीं करूंगा लेकिन फिर मैं आपको ऑरली बता दूंगा। थैंक यू सो मच।